यह है बुलेट वाले लौंडे कटिंग करते हुए। और आज दिल्ली में बहुत सही हवा चल रही है भाई, मैंने हेलमेट का वाइजर ऊपर करा हुआ है, मस्त मुंह पे और गालों पे हवा लग रही है ठंडी ठंडी। और लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी इसमें मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत फन था उसमें। बट स्टिल आप में से काफ़ी लौंडों ने एंड लौंडिया टू, क्योंकि थोड़ी बहुत लड़कियाँ मेरी वीडियोज़ देखती हैं जैसे ये भी, हाँ तो काफ़ी लौंडे एंड लौंडियों ने कॉमेंट करा कि मोहित भाई आप बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं हो, ठीक है। ये बात मुझे बुरी लगी, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लोगों के कॉमेंट्स बुरे लगे, वैसे मैं दिल पर लेता नहीं हूँ। बट स्टिल सो आई एम गोना ट्राई टू अपलोड 3 videos इन अ वीक नाउ। पहले मैंने सोचा था 1 या 2, बट मैंने कहा यार एक ही जिंदगी है, लेट्स ट्राई हार्डर। हार्ड तो मैं ट्राई कर ही रहा हूँ, बट हार्डर करते हैं, ठीक है। 3 videos इन अ वीक अगर नहीं डिलीवर कर पाया तो मेरी गलती ही होगी, आपकी थोड़ी होगी, मेरी होगी ना ऑब्वियसली। सो लेट्स सी। सो गाइस लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैं बॉयज़ को लेके, 1 boy यहाँ पर है, 2 boys अपने अपने घर है, इनको लेके लासा कैफे गया था इन कहाँ था, इन मजनू का टीला। खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया बॉयज़ को, तो कल से ये सैड है। तो मैं इसको लेके अभी जा रहा हूँ कहीं शॉर्मा वगैरह खिलाने, गाड़ी मेरी, क्योंकि 1.5 हफ्ते से इज्जत कर रहा है, मेरा 1.5 हफ्ते से इज्जत कर रहा है कि कुछ खाना पीना है। मैंने कहा भाई मैं लेके जाऊँगा, मेरे होते हुए इनका पेट भरा रहना चाहिए। तो चले यहाँ शॉर्मा की तलाश में। वेस्ट दिल्ली में आपको बताता हूँ कि कहाँ पर सबसे बेस्ट शॉर्मा मिलते हैं, ठीक है। मैंने इसको वो जगह बताई थी, अभी मैं इसको वहीं लेके जा रहा हूँ। सो लेट्स गो गाइस, हम पहुँच गए हैं टमी सेक्शन में, ये है जनकपुरी में, और ये इस इलाके की सबसे पॉपुलर कह सकते हैं चिकन वाली शॉप है, चिकन आइटम शोरमा वगैरह ये सब चीजें मिलती हैं। तो हमने मंगवा लिया सामान, गाड़ी में ही खाएंगे क्योंकि सिटी वगैरह बंद है यहाँ पे। हाँ क्या बोल रहा है? मैं बोल रहा है इसको डायरेक्ट अलबेग से कंपेयर करते हैं। अलबेग कहाँ पर है? अच्छा वही तो, हाँ जो साउथ दिल्ली में है शायद, मैं गया नहीं कभी, वहाँ के शोरमा भी बहुत फेमस। अच्छा हाँ मैंने खाए हुए हैं शायद कॉलेज टाइम पे, फाड़ होते हैं, हाँ मेरा दोस्त लाता था, बढ़िया थे वो भी। पर इसका रिव्यू आएगा, लाइव होगा, ठीक है, लाइव रिएक्शन होगा, दोनों एक साथ बैठ लेंगे। मैंने खाया है अभी, लेंगे एक ना भाई अपनी वो खोल ले। अरे बीच में डली, मैं नहीं डाल रहा उसमें, तू डाल ले, इसके बीच में है तो सही, वो तेरे तो मैं डाल दूंगा। चल 1 2 3 सॉफ्ट है, चिकन भी सही है, अच्छा है। 9/10 मैं दे सकता हूँ, बढ़िया। कितने देगा? इसकी क्वालिटी गिरी नहीं है, मतलब सही रही है, जैसे कई फेमस हो जाए दुकान है ठीक रही है, बढ़िया रही है। ऐसी कौन सी फेमस दुकान है खाया फिर देखो देखो कि क्वालिटी खराब हो गई? फेमस लोगों को पता होना चाहिए भाई, मोमोज एक्सप्रेस। अबे लोगों को पता होना चाहिए, पता होगा भाई मोमोज एक्सप्रेस, नहीं पता होगा। डॉन मांटी कैसे लोग कहते हैं? डॉन मांटी गिर गई है, मैंने कभी खाया नहीं पर फेमस इतना पता है, दिल्ली में चलता नाम। मैंने खाया है स्पेशली, जाके खा के आया था कि भाई बहुत फेमस है, खा के देखते हैं, बिलो एवरेज। वो डॉलमा आंटी ने शुरू किया था ना, आंटी वहाँ है ही नहीं अब। मैं आंटी मतलब जिंदा तो है ना, मतलब वहाँ नहीं, उन्होंने बहुत सारी ब्रांचेस खोल ली हैं, मतलब बहुत पुरानी चलती आ रही है प्रथा। बोलते हैं सबसे पहले दिल्ली में मोमोज डॉन मांटी लेकर आई थी, ऐसा बोलते हैं। मतलब एक्चुअली में लिविंग बीइंग थी ना डॉन मांटी, नाम डॉन मांटी, लिविंग बीइंग क्या बंदी थी, मतलब वो है अभी भी है, अभी है, वही पूछ रहा हूं डॉन मांटी आते हैं। और हमारा बिल 370 रुपए है, 3 आइटम मंगाए थे तो बढ़िया हिसाब है। हाँ मतलब तीन प्लेट होगी ना, 2 शॉर्मा मंगाए थे और 1 हमने ड्रम सेवन मंगाया था, ड्रम सेवन नहीं था, लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप, जो कि हमने दिखाया नहीं, जो कि हमने दिखाया नहीं क्योंकि हाथ पूरे गंदे हुए थे, थोड़ा मलाई वलाई हुआ था, तो बढ़िया, लेकिन चीज बहुत बढ़िया थी, चीज बहुत बढ़िया थी, मजा आया, मलाई मलाई अब इसके करूंगा मैं। बाकी दिक्कत होता क्या हो रही है? अपर चेस्ट देख ले, फुल दिख रही है, देख ले देख ले, फुल अपर चेस्ट आ रही है, गतिविधि हो रही है। गाइस पिछले 2 घंटे से मैं इस लड़के को देख रहा हूँ, पबजी में लगा हुआ है, घुसा हुआ है। और स्टार्टिंग में जब पबजी बैन हुई थी तो आई वॉज अगेंस्ट इट, क्योंकि मुझे लगा कि ज़बरदस्ती का डिसीजन लिया गया था गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन मोदी जी ने बिल्कुल सही काम किया, ये देख लो, क्योंकि ऐसे बच्चे गेम के अंदर घुस जाते हैं और मगन हो जाते हैं। एक दिन ये सपने में भी, अरे मेरे को रिवाइव दे, मेरे को रिवाइव दे, 4x स्कोप मेरा है, अरे अरे ये कर रहा था सपने में। सो आई थिंक बैन फिर से हो जानी चाहिए पबजी, क्योंकि आप लाइव देख सकते हो कि कैसी हरकतें चल रही है बच्चों की। चैनल बंद करवाना है क्या? अपने रिपोर्ट कर देंगे बंदे। और देखो अभी ये यहाँ पे गेम खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, वहाँ पे रोहित भी पीसी में बैठ के गेमिंग कर रहा है। तो भाई ज्यादा गेमिंग हो रही है आजकल के लॉन्डो की, डजंट मैटर द एज, गेमिंग भाई सब कर रहे हैं। मैं बैठा हूँ, नहीं आ रहा आपका नंबर है खेलने का। सही बात है, वैसे मेरे फोन में पबजी है नहीं और पीसी रोहित ने दे रखा है, मैं अभी गेम ही खेल रहा होता। यो यो मेरे जिगर के दिल्लो, कैसा त्यागी भाई?
एंड इट्स अ ब्यूटीफुल डे. आप देख सकते हो थोड़ा गीला गीला है क्योंकि बारिश हुई है. बढ़िया था अभी, ब्यूटीफुल है हल्की सी ना, लेकिन तू जब आया तब थोड़ा वो खराब हो गया, सीन खराब हो गया और ह्यूमिडिटी चालू हो गई. और इन शॉर्ट बोले तो तू जब आया तो थोड़ा खराब हो गया सीन. और अभी हम जा रहे हैं अपनी बाइक की सर्विसिंग कराने. मेरी बाइक की सर्विस ड्यू हो चुकी है. खिलौने आदमी भाई, वो तो निकाल लेगा बाल. बाल कोई बात नहीं, इतने चलते हैं, मर्द की निशानी है भाई. धीरे धीरे जंगल नहीं उगाया ना भाई, मर्द की निशानी. अबे यार क्या काम चल रहा है, शोर आ रहा है. बट हाँ जो भी बात है, और त्यागी की मनुष्यता तब चेक कर सकते हो. नेक्स्ट स्टेप की टी शर्ट पहन ली, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन भाई इसको मैंने बोला मुझे बता के पहना कर. क्यों बता के पहनो, तू मेरे को बता के पहना कर. भाई मैंने तेरे को टी शर्ट दी ना, तू बता के पहनेगा. नहीं तू बता के पहनेगा. तो ये वाला सीन हो रहा है, बुरा बढ़िया. और मेरे को अपनी बाइक की सर्विस करानी है, ठीक है. मैं अकेला जा सकता हूँ, बंदा फालतू में हो रहा है चेप. इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे. ठीक है ओके भाई. अरे भाई 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 भाई, अरे ठीक है ठीक है. अरे भाई, अरे 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 भाई भाई. तो सीन ऐसा है कि मैं वहाँ पे बाइक अपनी सबमिट करके आऊँगा, क्योंकि उन्हें एक दो घंटे लगते हैं. तो मैं वहाँ खड़ा तो रहूँगा नहीं ऑब्वियसली. अब यार शोर बहुत मचा रहा है, तो मैं अपनी बाइक छोड़ के आऊँगा, फिर त्यागी की बाइक में पीछे लटक के घर वापस. फिर दो घंटे बाद फिर त्यागी की बाइक में पीछे लटक के फिर वापस. मैं बाइक उठा मदद करने आता हूँ, और ये लड़का हर बार मिडिल फिंगर दिखाता है. मैं इसको ये मेरे काम के लिए आता है, मना नहीं कर रहा. मैं भी इसके काम के लिए आता हूँ, लेकिन लेकिन तू मना कर रहा है. बताता हूँ मुझे काम है, मुझे बाइक की सर्विसिंग करानी है. मैंने इसको 3-4 दिन पहले बोल दिया कि बड़े भाई एक दो दिन में बाइक की सर्विसिंग कराने चलेंगे, 1 या 2 बजे दिन में, ठीक है. नॉर्मल एक तमीज़दार इंसान की तरह ये बंदा फ़ोन करेगा 4 बजे कि भाई 4-5 तक निकल रहे हैं हम, कश्मीर निकल रहे हैं भाई. 5 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का टाइम देगा मैक्स. तो इसकी ये हरकतें होती है, तो ऑब्वियसली कोई बंदा इसकी हेल्प नहीं करेगा. बसरा ने भी इसको धोखा दिया, मैंने भी इसको धोखा दिया, पर वो एक्चुअली धोखा नहीं था. कश्मीर क्या था, कश्मीर मतलब इस टाइप की हरकतें तू करता है. मैंने इसको बोला कि मेरे ना पैर में मेरा पैर दोबारा ट्विस्ट हो गया, तो एक बार चलिए डॉक्टर के, कल के अपॉइंटमेंट ले रखे. आज फोन करे यानी कल सुबह 10 बजे के अपॉइंटमेंट. नहीं नहीं बंदे ने बोला भाड़ में जा, पैर जरा टूटे. ऐसा कुछ नहीं, मैं बताता हूँ कैसी ना इसका ना पैर में कुछ हुआ ही नहीं था. अगले दिन था लेग डे, इसे पता था लेग डे नहीं करना चाहता मैं, तो उसने बहाना मार दिया पैर टूटा हुआ है, ठीक है. अगर इसके पैर में एक्चुअल में लगी होती, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती, तो अगले दिन जिम ना आता. अगले दिन जिम आके चेस्ट चुस्ट फुल मार के जा रहा है, वैसे फुल खड़े होकर मार रहा है. तो मुझे इसका ना पता होता है, इसके झूठ होते हैं मैं पकड़ लेता हूँ. हाँ यही बात है, बाकी चले ठीक है. यही बात है, अच्छा डिफेंस मिल गया तेरे को भाई, अच्छा डिफेंस मिला. ठीक है फटाफट से चलेंगे, सर्विसिंग है ठीक है. हेलमेट है मेरे पास, हेलमेट दिखा दे भाई. हेलमेट है ठीक है, रिस्पॉन्सिबल राइडर्स हैं, बकवास की बात नहीं है फालतू. मुझे पता है आप कमेंट करोगे हेलमेट का, हेलमेट का भाई, यही है हेलमेट, सेम हेलमेट है, सेम टी शर्ट है. कते राइडर हो रहे, वन लाइफ बेबी, सॉरी बेबी नहीं बोलना होता है, वन लाइफ सिर्फ. बाय द वे वन लाइफ बेबी जिसकी लाइन है उसका बहुत बड़ा फैन है, उसका बहुत बड़ा फैन है. उसके उसके पीनट बटर अपने घर में भरे हुए हैं. जो भी लो दो लो, और ये जो भी लो दो लो जो लाइन है उसका त्यागी इतना बड़ा फैन है. इसकी मम्मी ने बोला बेटा एक टाइड का पैकेट ले आ, जबरदस्ती दो ले आया. दुकान में बोला भैया जो भी लो दो लो, भैया ने दो दे दिए. घर पर जाके पिटा मम्मी से, मम्मी ने कहा मैंने एक टाइड मंगवाया था, दो क्यों ला. कह रहे मम्मी जो भी लो दो लो, जो भी लो दो लो वन लाइफ. तो ये सीन है, आप ये डायलॉग फॉलो करोगे तो घर पर आपको बहुत मार पड़ेगी. बाकी मैंने आपको सतर्क कर दिया, बाकी आप अपना देख लो. ओ भाई रेड लाइट मत क्रॉस करिए, पहले बोल रहा हूँ पीछे हो इससे, ये व्हाइट लाइन से पीछे हो भाई, चलान कट जाता है, फोटो आ जाती है, बता रहा हूँ तेरे को. वो कौन सा पिलर था मैं भूल गया, तुम्हारी यामा का शोरूम है. हाँ यामा का शोरूम है, वो कहाँ है. आगे गाड़ी कर देता हूँ, देख लो भाई इन सालों को रिश्वत देनी पड़ती है अगर काम निकलवाना है तो. 70 रुपए लग गए, इससे बढ़िया मैं अकेले चले जाता. 70 रुपए महंगी शराब लीवर में डालूं बढ़िया तेजाब, इसमें वो लगाऊंगा तारे जमीन पर जो अर्जुन के लगाता हूँ. इससे बढ़िया मैं 20 रुपए रिक्शा करके आया था अकेले, पैसे बच जाते हैं. यहाँ 140 रुपए लग गए. अब ये पी रहा था मैंने कहा लगा मैं पी लूँ. सो गाइस बाइक की सर्विसिंग हो चुकी है, लुकिंग स्मूथ. और मेरे इस क्या बोलते हैं इसको किल स्विच में दिक्कत है बहुत टाइम से, तो मैंने इस बार भी इनको बोला कि भाई दिक्कत है इसे सही करो. वो 100% सही नहीं कर पाए, उन्होंने कहा 2 दिन और चला लो, अगर फिर भी दिक्कत आती है तो वो कंपनी में आगे रिक्वेस्ट डाल के इस स्विच को चेंज करवाएंगे, जिसके लिए मुझे फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा. यार यही तो दिक्कत है, बार बार यहाँ पे आना पड़ता है. बट जो भी है बाइक फील स्मूथ. अभी ये जो साफ करते हैं यहाँ पे पूरा टैंक वगैरह, इसे पता नहीं कौन सा पॉलिश लगाते हैं, तो बहुत बढ़िया आता है, स्मूथ आता है. और गाइस मैं काफ़ी सारे, अबे क्या कर रहा है, और मैं काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, सारे लद्दाख पहुँचे हुए हैं. एंड आई डोंट नो व्हाई लद्दाख अब बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, एंड जब तक वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाए उससे पहले मैं चाहता हूँ कि भाई मैं भी चला जाऊँ, कि मैं आज तक लद्दाख नहीं गया. पहले जो मनाली ऋषिकेश इनकी औकात होती थी ना, वो अब लद्दाख की हो रही है.
कि मतलब लद्दाख तो जाना ही है, मतलब अगर आप इंडिया में रहते हो लद्दाख तो भाई बनता है, तो मुझे भी करना है। जब वो बहुत फिर कॉमन हो जाएगा फिर मज़ा नहीं आएगा ना, फिर इंस्टाग्राम पे स्टाइल नहीं मार पाऊंगा मैं। और गाइस मैं बार बार अपने हाथ से अपनी जेब चेक कर रहा हूँ क्योंकि मेरी निक्कर में जो जेब है उसमें जिप नहीं है, तो डर लगता है कि यार फ़ोन पड़ा है 50-100 रुपये पड़े हों गिर ना जाए। तो इसलिए मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि भाई या तो जीन्स पहनी हो बाइक चलाते वक्त, जीन्स नहीं तो भाई कुछ जिपर हो यार, तो उससे ना चीज़ें सही सलामत रहती है। गाइस वैसे मुझे पागलों की तरह बाइक चलाने का सड़क पर बिल्कुल भी शौक नहीं है, मैं कटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करता, बट एक चीज़ है जो मुझे जेन्युइनली सीखनी है एंड दैट इज़ व्हीली मारना। बचपन में हम स्कूल में साइकिल जाया करते थे, साइकिल में स्कूल जाया करते थे, और उस बाद में स्कूल के बाद हम सारे लौंडे सड़क पे ऐसे व्हीली मारते थे साइकिल पे। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो देखने में मज़ा आया होगा क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आया। एंड बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, दिस इज मोहित बिष्ट। Man, I went from a bag to a bag to a bag. I remember me and mama used to ride the cab. Pull up out the lot, no more lease, we paying cash. Show up to a crib, hand the keys to a Jag. That's that light work, flexing so much it hurt. Used to rock hand-me-downs, now Versace down my shirt. I remember them days, we couldn't wait for the first. Finally made me a meal, now we eating off the verse.